अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्कॉर्पियो 2011 की हिमॉक, कस्टमर कंप्लेंट है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो अपन चेक करेंगे क्या कंप्लेंट है। अभी की ऑन किया, आप देख सकते हैं पूरे लाइट वगैरह बराबर आ रहे हैं। गाड़ी को स्टार्ट करके देखेंगे, आप देख सकते हैं गाड़ी में कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है। क्या कंप्लेंट है चेक करेंगे, उससे पहले स्कैन करेंगे एक बार। महिंद्रा स्कॉर्पियो VLX सिस्टम सिलेक्शन इंजन कंट्रोल मॉडल ट्रबल कोड EDTC। तो आप देख सकते हैं कि 4-5 कंप्लेंट्स हैं। सिलेंडर 2 अन क्लासिक फ्लेबल एरर इन इंजेक्टर, सेकंड नंबर, फोर्थ सिलेंडर, थर्ड सिलेंडर बैंक 1, फर्स्ट सिलेंडर, 3-4 प्रॉब्लम तो हिस्ट्री में है। एक बार चेक कर लेंगे इसको क्लियर करके। क्लियर डीटी सक्सेसफुल, नो फॉल्ट कोड। एक बार क्रैंक करके देखेंगे, रीड फॉल्ट कोड, फिर दोबारा वही आ गए। तो क्या चीज़ है चेक करेंगे अपन, चेक करके आपको बताऊंगा मैं। तो मेरे भाई, मैं इसका प्रॉब्लम ढूंढ लिया हूँ। इसका प्रॉब्लम ये फ्यूज़ बॉक्स में था, आप देख सकते हैं फ्यूज़ बॉक्स में भी साफ हो गया हूँ, क्योंकि इसमें कार्बन बहुत आ गया था, रश बहुत आ गया था। फ्यूज़र्स पूरे अच्छे थे, चेक करने पर पता चला कि फ्यूज़र्स पूरे अच्छे। जब फ्यूज़ निकाला था तो उसमें कार्बन था, 2-3 फ्यूज़ों में बहुत सारा कार्बन था, उस वजह से कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा था, उस वजह से इंजेक्टर को पल्स नहीं जा रहा था। तो ऑलरेडी मैं फ्यूज़ बॉक्स धो चुका हूँ, आप देख सकते हैं। तो आप मैं स्टार्ट करके भी बताऊंगा गाड़ी। अभी चाबी ऑन है, ऑफ किया, ऑन स्टार्ट करके देख लेते हैं। ये चेकलाइट इसलिए आ रही है कि सामने इंटरकूलर का बूस्ट प्रेशर सेंसर निकाले हुआ हूँ, क्योंकि चेक करने के लिए निकाला था मैं बूस्ट प्रेशर सेंसर, तो उस वजह से लाइट आ रही है। वो फॉल्ट कोड इस वजह से था कि इंजेक्टर में सप्लाई नहीं जा रहा था, उस वजह से प्रॉब्लम आ रहा था। ये मैं चेक करा तो पता चला कि इंजेक्टर में सप्लाई नहीं आ रहा, उस वजह से आके फिर इधर चेक करा मैं। इधर चेक करने की वजह से उसमें फ्यूज़र्स में प्रॉब्लम मिला मुझे। अभी आपको मैं स्कैनिंग करके बताऊंगा। और सिस्टम सिलेक्शन इंजन ट्रबल कोड EDTC। तो बिश प्रेशर पुश प्रेशर सेंसर वोल्टेज, वही मैंने बोला ना आपको, अभी इंटरकूलर पे का पुश प्रेशर सेंसर निकाला मैं, उस वजह से ये फॉल्ट कोड बता रहा है। तो प्रॉब्लम तो अलहमदिल्ला कंप्लीट हो गया, प्रॉब्लम ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं था, छोटा ही प्रॉब्लम था, इस वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं रही थी। ये गाड़ी कस्टमर टो करके लाया मेरे पास। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही कुछ और वीडियो देखना चाह रहे तो आप कमेंट में लिखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो मेरे को भी इंटरेस्ट आएगा वीडियो बनाने में। मैं जो भी प्रॉब्लम रहूँगा इंशाल्लाह बनाऊंगा मैं आपको वीडियो, अच्छे से अच्छा प्रॉब्लम बताऊंगा मैं, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश करूँगा मैं। और किसी भाई को अगर काम कराने का है तो आप मेरे को कमेंट में बोल सकते हैं, आपका नंबर दीजिए तो मैं आपको मैसेज करूंगा, तो आपका मैसेज मेरा नंबर ले लीजिए। मेरा वर्कशॉप हैदराबाद में है, अगर किसी भी भाई को काम करवाने का है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।